अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी फैमिली व्लॉग्स। ये है व्लॉग नंबर 2। आज है 16 की शाम और कल 17 तारीख को हमारी कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है। ट्रिप कम विजिट है, हम जाने वाले उजनी डैम को, साथ में पावर जनरेशन भी देखेंगे। फिर आते वक्त वापसी में हम जाएंगे अकलूज को, वहाँ पर है शिव सृष्टि, वो देखेंगे, उसके बाद में वापस आएंगे। तो मेरा जो दूसरा चैनल है जुहूस किचन, जिसमें मैं अपने रेसिपीज शेयर करता हूँ, तो स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि मैं कुछ अपनी तरफ से बना कर लाऊँ। तो मैं कल बनाने वाला हूँ 2 किलो वेज पुलाव स्टूडेंट्स के लिए, जिसे हम नाश्ते में खाएंगे। तो उसकी तैयारी करके अभी रखता हूँ और कल सुबह उठकर फ़ौरन से बनाएंगे और जाएंगे विजिट के लिए। तो आखिरी तक हमारे साथ बनिए रहेगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहले से मैंने सारी तैयारियाँ करके रखी थी, तो फटाफट मैंने ये वेज पुलाव बना दिया सुबह उठकर, और राशन भी तैयार हो गया है। और यहाँ पर ये मैंने पैक कर लिया है वेज पुलाव, और जाने के लिए बाकी का जो सामान था वो मैंने अपने कॉलेज के बैग में डाल दिया है। तो चलिए फटाक से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी सारी तैयारियां हो गई है और आज हमारी है कॉलेज की विजिट और साथ में ट्रिप भी है, और मैं ऐसे अपने साथ में लेकर जा रहा हूं। और जैसे मैंने बताया था, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए 2 किलो वेज पुलाव भी बना के लिया है। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारी ट्रिप की बस, और सारे बच्चे बस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो चलिए अब हम भी बस में चढ़ते हैं और देखते हैं हमें जगह कहाँ पर मिलती है। और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, हम सिटी से बाहर अब निकल रहे हैं। यहाँ से हमें उजनी जाने के लिए लगेगा लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा। वहाँ पहुँचकर पहले हम डैम देखेंगे, फिर उसके बाद में हम जाएंगे जनरेशन की तरफ, और उसके बाद में हम जाएंगे अकलूज। और ये ऐसम को शौक था कि सामने बैठे वो ड्राइवर के पास, तो मैंने उसे ड्राइवर के पास बिठा दिया। सर, कहाँ जा रहे तुम? फ्रेंड्स, फाइनली हम 10 बजे पहुंच गए उजनी डैम के पास, और ये यहाँ पर स्टार्टिंग के जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो पूरे हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंचार्ज थे उनको आने में अभी वक्त था, तो तब तक हमने सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं। तो पास में ही गार्डन था, वो गार्डन में हम जाकर बैठे और हमने जो वेज पुलाव लाया था उसे एन्जॉय किया। फ्रेंड्स, ये डैम के गेट्स है जिसे बिल्कुल थोड़ा सा खोल दिया है इन्होंने, और इस गेट से जो पानी निकल रहा है वो जाता है कैनल से, और ये कैनल से होकर जाएगा आसपास के जितने भी शहर हैं सब तरफ इसका पानी जाएगा। और हम पहुंच गए गार्डन के पास, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है वो गार्डन का हिस्सा है, तो वहाँ पर बस नहीं जाएगी, तो हम वहाँ तक पैदल जाएंगे और वहाँ बैठेंगे। नहीं निकल रहे थे, ऐसा तू नहीं निकलेगा, ऐसा ऐसा गार्डन में सारे बच्चे बैठ चुके हैं, तो मैंने जल्दी से डब्बा खोल दिया, और जैसे ही डब्बा खोला तो खुशबू पूरे गार्डन में महकने लगी। तो जल्दी से मैंने पुलाव निकाल कर बांटना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव अभी तक गर्म ही था। सब ने पुलाव को खूब एंजॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा, सबका नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है पावर जनरेशन प्लांट, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो डैम का वाटर यूज़ करके यहाँ पर पावर जनरेशन होता है। तो एक्चुअली ऊपर से तो पूरा लेवल दिखता है, लेकिन जो मेन जनरेशन प्लांट है वो ग्राउंड लेवल से नीचे 40 मीटर। कैसे लग रहा है? कहाँ है तू? उजनी डैम। कहाँ है? नाश्ता हुआ किधर? नाश्ता हुआ तेरा? क्या खाया तू? चिकन पुलाव बिरयानी। कैसी बनी थी? अच्छी बनी। कौन बनाए थे? मेरे अब्बू। जैसा कल बोला नहीं तो अब्बू को? जनरेशन प्लांट में एक्चुअली अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो अंदर का मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। और ये हमारा जनरेशन का विजिट हो चुका है, अब चलते डैम की तरफ।
हम पहुंच गए हैं डैम के ऊपर। अब ये जो ऊपर से इसका ब्रिज बना है, एक्चुअली जो डैम के गेट्स है उसके ऊपर से हम जाएंगे। ये है डैम का बैक वाटर, एक्चुअली 147 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर स्टोरेज है। यहाँ से 6-7 बड़े सिटीज़ को पानी प्रोवाइड किया जाता है, तो ये उसका बैक वाटर है। ये जो डैम के गेट्स है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये गेट्स को जब खोलेंगे तो दूसरे साइड से पानी जाता है और उस पानी को यूज़ करके पावर जनरेट किया जाएगा। डैम की विजिट भी कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं सीधा अकलूज पहुंचने के बाद। और ये है अकलूज की नीरा नदी, बहुत बड़ी नदी है, उसके साइड में एक छोटा सा पुल है। इस पुल से गुजरने के बाद हम पहुंचेंगे शिव सृष्टि के पास। असर का वक्त हो रहा था तो मैंने सोचा कि पहले असर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद में जाऊँगा शिव सृष्टि देखने के लिए। तो ये मैं आ गया हूँ मस्जिद में असर की नमाज अदा करने के लिए। हो गई है मेरी असर की नमाज मुकम्मल। तो ये है शिव सृष्टि का मेन एंट्रेंस। ये है शिव सृष्टि के अंदर का नज़ारा, वाकई बहुत खूबसूरत सेटअप था। बेसिकली इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में जो एक राजवाड़ा या फिर एक महल कह लो, उसका जो सेटअप था वो इन्होंने पूरा यहाँ पर तैयार किया है। वैसे तो स्टेज पर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन मेरा शरारती बच्चा मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अंदर पहुंच ही गया। और यहाँ पर ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अपना फोटो सेशन करवा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर मेन फोर्ट के ऊपर, जहाँ पर है छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा स्टैच्यू। इतना खूबसूरत नज़ारा था कि दिल को सुकून मिल गया, और यहाँ से नीचे उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन शाम के 6 बज रहे थे और दिन ढल रहा था, और हमें रात तक सोलापुर पहुँचना था वापस, इसलिए हम यहाँ से निकल पड़े। तो ऐसे गुजरा हमारा आज का पूरा दिन, और ये हमारी ट्रिप यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इतना ज़्यादा घूमने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हम रुक गए थे ढाबे पर खाना खाने के लिए। तो वहाँ पर एक कुछ झूले थे, तो ऐसे ने थोड़ी देर उसके ऊपर खेला, फिर उसके बाद हमने खाना खाया और हम चल दिए सोलापुर की तरफ। खाना खाने के बाद बच्चों का एनर्जी फिर से वापस आ गई, और शायद दुगनी एनर्जी आ गई थी, क्योंकि वापसी के पूरे 2 घंटे बच्चों ने बस में इतना मस्ती की है, इतना डांस किया है, इतना धींगाना किया है कि पूछो मत। और ऐसन को भी नाचने के लिए बहाना मिल गया, और ऐसे ने भी खूब जमकर डांस किया। और घर पहुंचते पहुंचते हमें 9:30 हो गए, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो आते ही सीधे हम सोने के लिए चले गए। कल रात के विजिट के बाद बहुत थक गए थे हम लोग, आकर सो गए। आज कॉलेज को मैंने ऑफ लिया है, बहुत तबीयत खराब हो गई थी मेरे इसलिए। और अब बज रहे हैं 11, हम लोग अभी उठे हैं, नाश्ता हुआ है और मैं अभी चाय पी रहा हूँ। देखेंगे आगे का क्या प्लान बनता है, हमारा कुछ काम है आज जिला परिषद में, वहाँ पर भी जाना है, तो देखेंगे आगे क्या प्लान बनता है। फ्रेंड्स, हम आए थे यहाँ पे जिला परिषद में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा काम नहीं हो पाया है, तो अब हम वापस जा रहे हैं घर। लेकिन घर जाने से पहले हम जाएंगे मार्केट, जोहर का वक्त भी हुआ है, नमाज भी पढ़ेंगे, तो चलिए चलते। एहसन और अली दोनों को ही बकरियां बहुत पसंद है, तो यहाँ पर एक कुछ बकरियां थी, तो इन्होंने उनके साथ थोड़ी देर तक मौज मस्ती की, उसके बाद में हम गए फिश मार्केट। और ये अब हम आए हैं फिश मार्केट फिश खरीदने के लिए। तो
तो मैंने ख़रीदी है 1 किलो बांगड़ा फ़िश और 1 किलो चिलापी फ़िश। चिलापी वैसे मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी हाउस हेल्प है उसके लिए मैंने ख़रीदा है 1 किलो चिलापी। वापसी में हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और जूस मूछ दे तेरे को, वैसे तेरे को मूछ आई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि हमको जिला परिषद में काम है, वो किसी वजह से नहीं हो पाया, तो हम वहाँ से गए थे मार्केट, नमाज भी हो गई, मार्केट भी हो गया और हम घर पर आए हैं थककर। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, लंच का टाइम हो गया है और आज लंच में है शेपू की भाजी और हरी मिर्ची की चटनी, चपाती, रात का थोड़ा सा चिकन का सालन बाकी था वो है, और यहाँ पर यह है दाल, चपाती, इसमें है चावल, और ये थोड़ा सा कल रात का सूजी का हलवा, और ये पापड़। रोज़ की तरह असर के बाद मैंने तिलावत की। وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। احسان اذان اور بیٹا چلو نماز کو, وضو کرا تو, ہاں چل ٹوپی لے چل نماز کو। और ये शाम की लाइट जला दी मैंने और मगरिब की अज़ान भी हो रही थी, और बच्चों को जाते वक्त अपने साथ नमाज के लिए ज़रूर लेकर जाएं, अभी से उनकी तरबियत करेंगे तो बड़े होने बाद भी नमाज की आदत रहेगी। तो चलिए चलते हैं मगरिब की नमाज के लिए। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे फरमाइए कि ज़रा ये तो बताओ, अगर तुम्हारी बदअमली पर अल्लाह ताला तुम्हारे सुनने और देखने की सलाहियत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे, तो क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और ज़ात इस कायनात में है जो तुमको ये चीज़ें दोबारा लौटा दे। जैसे मैंने बताया कि बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, तो हर रोज़ डिनर से पहले थोड़ा ही क्यों ना हो मैं बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, डिनर का टाइम हो गया। आज डिनर में है अंडा ऑमलेट, टोमेटो रसम, राइस, जीरा राइस और चपाती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से गुजरे हमारे 2 दिन। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।